यानी nth रूट का जो सेट इनटू ऑपरेशन के लिए फाइनाइट अबेलियन रूट, इकाई के अन्य मूल क्या होते हैं, 1 की पावर 1/s, उनका एक सेट बनाना, उसको अपन ने मान लिया एस। तो ये सेट जी क्या होगा, इकाई के nth रूट निकाले वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे और कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये जो n वैल्यूज आएगी, कितनी वैल्यूज आएगी n, जैसे अपन 1 की पावर 1/3 इसको सॉल्व करते हैं, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, 1 को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते, तो जितनी पावर 3 है तो 3 वैल्यूज, n है तो n वैल्यूज, तो ये x बिलोंग्स टू C0 कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होगी 0 के अलावा, और x क्या होगा 1 की पावर 1/3। अब यहाँ दोनों तरफ पावर एन ले लें तो एक्स की पावर एन किसके इक्वल होगा 1। ये सेट हो गया जी। अपने को प्रूफ करना है जी इंटू क्या होना चाहिए, तो फाइनाइट और अबेलियन ग्रुप। सबसे पहले लें अपन क्लोजर प्रॉपर्टी, संगतता गुणधर्म, दो एलिमेंट्स ले लें एक्स और वाई जी, एक्स जी का एलिमेंट है, जो भी जी के एलिमेंट उनकी होल पावर एन किसके इक्वल होगी 1 के। y अपन ने जी में ले लिया तो y की होल पावर n क्या हो जाएगी 1। अब x जी में x की पावर n 1, y जी में y की पावर n 1। अब अपने को प्रूफ करना है x और y भी जी में होना चाहिए, तो x y की होल पावर n ले, x की पावर n y की पावर n, x की पावर n यानी 1, y की पावर n यानी 1, 1 × 1 यानी 1 हो गया, तो x y की होल पावर n 1 आ गया, तो x y किस पे आ गया जी। तो अपन लिख सकते हैं कंबाइन करके लिखो एक्स और वाई जी में, तो एक्स वाई जी में आ गया, तो इनटू ऑपरेशन जी में क्या हो गया बाइनरी ऑपरेशन। फिर ले रहे हैं एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी यानी ये किससे बन गया जी, कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो इनटू ऑपरेशन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, तो इनटू ऑपरेशन जी में भी एसोसिएटिव, कुछ ही कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है 0 के अलावा जो भी है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म बता दो, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये फॉर्म फॉर ऑल एक्स प्राइम बिलोंग्स टू जी। फिर आइडेंटिटी, इंटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होती है 1, क्या 1 जी में है, जो भी एलिमेंट जी में होगा उसकी होल पावर एन क्या होगी 1 के, तो 1 की होल पावर एन क्या होती है 1, तो 1 क्या हो जाएगा जी में। फिर हम अपन ले लें इसके कंडीशन इनवर्स G3, इनवर्स इनवर्स के लिए क्या कंडीशन होगी, अपन ने ले लिया लेट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, अपने को पता है कि एक्स का इनवर्स क्या होता है, नंबर एक्स होता है, एक्स का इनटू ऑपरेशन एक्स का इनवर्स नंबर एक्स। अब चेक करें 1/n जी में है नहीं, कैसे x इंटू 1/x, 1/x इंटू x, ये 1 हो जाता है, वो इनवर्स पता है। अब x जी में है तो x की पावर n किसके इक्वल होगी 1 के, अब अपने को पता है कि 1/x भी जी में होना चाहिए, तो उसकी होल पावर n ले लें, अगर ये 1 आ जाए तो ये जी में होगा, 1 की पावर n यानी 1, ये x की पावर n, x की पावर n कितना है इसका मतलब 1/x भी किसके आ जाएगा जी में, तो ये कंडीशन बन गई अपने पास, x बिलोंग्स टू जी का फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी का इनवर्स कौन हो गया, ये 1/x हो गया। फिर अब अपन ले लें कम्यूटेटिविटी, इनटू ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ऑलवेज क्या होता है कम्यूटेटिव, इसलिए इनटू ऑपरेशन जी में भी कम्यूटेटिव, यानी ये कंडीशन एक्स इंटू वाई और वाई इंटू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, या फिर ग्रुप की कंडीशन,
अब फाइनाइट बोल रहा था जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, एंड वन की पावर वन अपॉन एन एक्स प्लस इसके कितने रूट्स होते हैं एंड, तो ये क्या हो गया फाइनाइट। तो हैंस जी इनटू इस फाइनाइट अबेलियन यार, कोई कंडीशन